हेलो फ्रेंड, जो विन माच फैन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कोई क्यों लेता है कैंसिल चेक, जानिए अपने बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ अहम नियम। अगर आप किसी बैंक या इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश करते हैं तो आपसे कोई बार फाइनेंशियल कामों में कैंसिल चेक मांगा जाता है। भले ही हम डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहे हो, लेकिन इसकी उपयोगिता बरकरार है। क्या आप जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों को अपने बैंक अकाउंट को पूरी जानकारी देने के बावजूद कैंसिल चेक मांगने का क्या कारण हो सकता है? आपको बता दें कि कैंसिल चेक से ट्रांजैक्शन नहीं किए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल केवल आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए किया जाता है। जब किसी को कैंसिल चेक दिया जाता है तो दो समानांतर लाइन के बीच में कैंसिल लिख दिया जाता है, जिससे आपके इस बैंक का कोई भी गलत इस्तेमाल ना कर सके। कैंसिल चेक पर साइन जरूरी नहीं। जब आप किसी के कैंसिल चेक देते हैं तो कैंसिल चेक पर साइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस पर आपको केवल कैंसिल लिखना होता है। इसके अलावा चेक पर क्रॉस मार्क बनाया जा सकता है। इस तरह का चेक आपके अकाउंट को केवल वेरीफाई करता है। अगर आपने किसी संस्थान को बैंक का कैंसिल चेक दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका उस बैंक में खाता है। चेक पर आपका नाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपके अकाउंट नंबर लिखा होता है और जिस ब्रांच में अकाउंट है उसका IFSC कोड लिखा होता है। बता दें कि कैंसिल चेक के लिए आपको हमेशा केवल काली और नीली स्याही का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी दूसरे रंग का स्याही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका बैंक चेक अमान्य कर दिया जाएगा। कैंसिल चेक को कब पड़ती है ज़रूरत? जब आप फाइनेंस से जुड़ा कोई काम करते हैं तो कैंसिल चेक मांगा जाता है। जब आप कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन लेते हैं तो लेंडर्स आपके कैंसिल चेक को मांग करते हैं। ऐसा आपके अकाउंट को केवल वेरीफाई करने के लिए किया जाता है। अगर प्रोविडेंट फंड से ऑफलाइन पैसा निकलने है तो कैंसिल चेक को ज़रूरत होती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो कंपनियां कैंसिल चेक को जानकारी मांगती है। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के पर भी इसकी ज़रूरत होती है। कैंसिल चेक देने के समय ध्यान रखें ये बातें। अगर आप यह सोचते हैं कि कैंसिल चेक बेकार है तो ये सोचकर किसी को भी कैंसिल चेक नहीं देना चाहिए। कैंसिल चेक पर आपके बैंक खातों से जुड़े अहम जानकारी होती है। इसका इस्तेमाल गलत तरीके से आपके खाते से पैसे निकलने के लिए किया जा सकता है। ऐसे में साइन किया हुआ चेक कभी भी कैंसिल कर किसी को न दे। कैंसिल चेक संबंधित कामों को डिटेल, डीमैट खाता खुलवाने के लिए, बैंक में KYC कराने के लिए, बीमा खरीदने के लिए, EMI भरने के लिए, म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए, बैंक से लोन पाने के लिए, EPF का पैसा निकलने के लिए, अंत इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपके पास ले आ सकूँ। थैंक्स।